दूर से वो तो नंबर पे ही दिखा, देखना है बहुत दूर से तो उधर को घुमा लिया इसको। तो यह एक्टिवा स्कूटी से आए थे ये दो चोर, तो ये एक चोर तो स्कूटी पर बैठे थे, एक उतर रहा बोलो। तो ये देखो ये रोड पर खड़ी थे एक्टिवा स्कूटी से चोर से थे। देखो वीडियो पूरो देख लो कहीं कहीं करामात कर रहे आजकल लोग बाग। तो यह देखो ये आगो, ये देखो जूम कर रहे जूँ, ये एक्टिवा भी नई चे कोई पटवाड़ा ही छोरा लागे थे मन तो। ये देखो यह गयो आगे और यह आगो चोर, ये चोर की शक्ल देख जो आराम खोर की। ये देखो या गो जाके जान चोर ने जा जा मुंडो बांध मिले चोर जे जा जा के खड़ो मोबाइल चेक कर रहे चोर मोबाइल देख रहे थे यार जूं ठें कोई डाउट ना हो देखे मोबाइल चढ़ चढ़ जाए थे देख देख ले हां ये देख देख देखे देख रहे देख देख एक कपड़ा ध्यान रख दियो ना और बारन बैठ अब देखो आओ ले शाम ना वापस आओ ले पकड़ दो चलो शरीर देख लो पूरा दोस्तों। ये है वो चोर कैसे रेकी कर रहा है, ये उठाई साइकिल चोर, ये साइकिल चोर आ गया। लेकिन ये एक तरह से इनकी जिंदगी खराब है ऐसे मान लो, ये कुछ नहीं कर सकते इनकी जिंदगी के अंदर, इनकी जिंदगी में चोरी करेंगे, चोरी करना सीखी है और सीखा है और कोई लेना देना नहीं है। तो दोस्तों बात बता दूं आपको मैं कि बाहर साइकिल खड़ी थी, ये हमारा सीन है लाइब्रेरी का, हमारी लाइब्रेरी के बाहर किसी बच्चे की साइकिल खड़ी थी। तो ये चोर देखो किस प्रकार से आ रहा है, दो साइकिल पे पहले मोटर से इस पे एक्टिवा पे बैठ के आए हैं और फिर एक तो निकल गया और एक को छोड़ गया, फिर किस प्रकार से आगे चोरी करके लेके गए। तो यार आप पूरा वीडियो में देख सकते हो इसको, उसने कैसे आकर, ज्यादा उम्र का भी नहीं है, छोटा सा, ज्यादा उम्र का नहीं है लेकिन मुंह बांध रखा है, लेकिन वो तो पकड़ा जाएगा। उसने जिसकी साइकिल थी उसने कंप्लेंट करवा दी थाने के अंदर, तो वो तो पकड़ा जाएगा। आगे कैमरे और लगे हुए आगे इसी रोड पे, तो उसी में उस गाड़ी नंबर पता चल जाएगा और वो पकड़ा जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन देखो दोस्तों मेरा तो कहने का मतलब ये है कि देखो खुद के बच्चों को और यानी भाई बंधुओं को सबको संभाल के रखो, कहने का मतलब कोई मतलब नहीं है। ये अच्छे करके दिख रहे हैं मेरे को क्योंकि नई एक्टिवा लग रही है सारा सब कुछ, लेकिन ये ऐसे काम घिनौने काम कहने मतलब ठीक नहीं है। सो में से एक बात है ना, हाँ तो ये है बात। तो आपको कहने का मतलब थोड़ा सा वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखो कैसे लाइव चोरी और दिन दहाड़े देखो ये स्कूटी पे वो मोटरसाइकिल से पहले मैं आया, मैं ड्यूटी से आया ही था, जब ड्यूटी से आया मेरे 3 मिनट बाद में चोरी हो गई। बात मेरे भाई कह रहा है तू ले रहा है चोरन, मकाई ले रहा है चोरन, 3 मिनट मात्र 3 मिनट बाद में चोरी हो गई। देख लो तो साइकिल को कैसे आया और कैसे चोर ले गया पता नहीं साला। लेकिन इस साजिश से ये लगता है कि किसी ने पहले आके उस साइकिल का इनका पता लगा के गए थे, क्योंकि उनको ऐसे कैसे पता चला कि उस साइकिल के लोक नहीं लग रहा। हाँ उसको ऐसे, और वो बेचारा है ना साइकिल को हमेशा नीचे खड़ी करता था, आज पहली बार ही कल ही की थी ऊपर रह गई पहली बार आज, तो उसको चोर ले गए भाई। तो ये बात दोस्तों, लेकिन पकड़ा जाएगा कहने मतलब कितनी भी चोरी कर लो, चकारी कर लो, कुछ मर्डर कर दो, कुछ भी कर दो, एक ना एक दिन पकड़ा जरूर जाता है। ऐसा कोई सा केस नहीं है जो पेंडिंग चल रहा है, देखो सही बात होता हूँ सबको एक ना एक दिन तो बस पाप का गड़ा फूटता ही है, तो कोई मतलब वाली बात नहीं है ये बात। तो और एक तरह से देखो भगवान भी देख रहा है, कर्म ही प्रधान है, जो कर्म करोगे ना जैसा करोगे ना वैसा ही पाओगे, ये है बात। जैसे हर चीज में लागू होता है, अपने सोच को लेके देख लो, चाहे किसी के लिए भी देख लो, अपने घर में किसी पे भी देख लो, किसी के साथ भी गलत नहीं करना चाहिए। और ये रहता है कि
कहने का मतलब कर्म करोगे ना तो आज का कर्म करोगे ना जैसा कि जैसा इसी इसी जन्म में भुगत लोगे अगले जन्म का, तो भगवान ने वो नियम चेंज कर दिया कि भाई अब की बार का अगले जन्म में भुगतोगे वो इसी जन्म में भुगता देगा, कोई दिक्कत नहीं है, कर्म ही प्रधान है। और क्योंकि सबके साथ होता है, एक और स्टोरी बताऊंगा मैं आपको जो मेरे साथ चोट हुई है। किसी के ऊपर इतना ज्यादा विश्वास किया था मैंने और उसी ने साले ने विश्वासघात कर दिया। कहने का मतलब जिस थाली में खा यार उसी थाली में छेद कर दिया, जो भी मोटा सारा छेद किया है हकीकत में उसको है ना जीरो लेवल से लेके मैंने और हीरो लेवल तक लाया, एक तरह से हीरो लेवल ही है हकीकत में उसके लिए, तो वहां तक लाने में मेरा ही हाथ है और उसी ने मेरे ही कहने मतलब मेरी जूती मेरा ही माथा। तो इस टॉपिक पे मैं बाद में वीडियो बनाऊंगा। कहने मतलब किसी पे भी विश्वास नहीं करना चाहिए आजकल, कोई मतलब वाली बात नहीं है। देखो ये बात विश्वासघात जब करते हैं ना तो माइंड ऐसे हो जाता है कि यार मैंने तो वैसे इतना भरोसा करके इसको ये काम दिया और इसने अब ये कर दिया मेरे साथ। तो ये इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा, नाम नहीं लूंगा, फोटो समेत तो बताऊंगा, बकायदा फोटो समेत फोटो भी दिखाऊंगा उसकी कि ये इंसान है, ये आदमी है, इसने ऐसे ऐसे किया। तो दोस्तों देख लिया थे, अब मिला था कल नेक्स्ट वीडियो में।